आइए आपको जम्मू लिए चलते हैं। गृहमंत्री अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे हैं। हो गई है टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कई भाइयों को सालों से अन्याय हुआ, वाल्मीकि भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, माताओं बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, और ये मेरे बैठे हैं पहाड़ी बकरवाल गुर्जर भाई बहन, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबके साथ न्याय करने का काम किया। एनसीपीडीपी गुर्जर भाइयों को उकसा रहे थे कि आपका काटकर पहाड़ियों को देंगे, बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ भाई, बोलो भारत माता की, बैठ जाओ भाई, अब बैठ जाओ। आ गई फोटो तेरी, बैठ जाओ। अरे फोटो आ गई भैया, बैठ जाओ। ये पीडीपी एनसी वाले हमारे गुर्जर भाइयों को भड़काते थे कि आपका आरक्षण काट कर देंगे। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 1% भी गुर्जरों का आरक्षण काटे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आज मुझे आनंद है, मोदी जी की कृपा से गुर्जर पहाड़ी बकरवाल ओबीसी दलित और महिला सबको आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, डोगराओं का एरिया है, मुझे डोगरा पगड़ी पहनाई है, डोगरा पगड़ी का सम्मान रखने का काम जिम्मेदारी आप लोगों की। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे बैठ जाओ ना भाई, अब सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने सालों से सेना के परिवार वालों की डिमांड थी कि वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, एक कांग्रेस पार्टी देती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन देकर सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। भाई और बहनों, जम्मू में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले, 14 नर्सिंग कॉलेज, 7 बीएससी पैरा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी जम्मू में आया, आईआईएम आया, विजयपुर में एम्स बन रहा है, बक्सी नगर में कैंसर अस्पताल बन रहा है, 25 नए डिग्री कॉलेज खुले, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। पहले जम्मू और कश्मीर के बच्चे देश भर में पढ़ने जाते थे, आज देश भर के बच्चे मेरे जम्मू में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया। जम्मू में 18 इंडस्ट्रियल एस्टेट आ रहे हैं,